हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 से भी ज़्यादा खुशबू देने वाले कुछ ऐसे परमानेंट पौधे जिनको आप लोग फरवरी मार्च में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एक दो पौधे को छोड़ के सभी पौधों की कटिंग आसानी से लग जाती है, या फिर इनको आप लोग नर्सरी से लाना चाहते हैं तो मार्च ख़त्म होने से पहले पहले आप लोग इनको अपने गार्डन में ला करके ऐड कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तो उस टाइम पर ना ही इनकी कटिंग ग्रो होगी, और दूसरी बात, इन पौधों को अगर ज़्यादा गर्मी में ला करके आप लोग रिपोर्ट करोगे तो पौधे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि ये जितने भी खुशबू वाले पौधे होते हैं ज़्यादातर लाल मिट्टी यानी कि रेड सोयल में लगे हुए आते हैं, तो इनकी रेड सोयल को हमें रिमूव करना होता है। तो इसलिए मार्च के एंड तक आप लोग ये काम कर लोगे तो मई जून की जो गर्मी होगी उस गर्मी को ये पौधे बर्दाश्त कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लिस्ट में फर्स्ट प्लांट जो हमने रखा है ये है स्वर्ण चंपा का। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू आती है, जैसे फलों की खुशबू होती है। इसका एक फूल भी अगर गार्डन में खिल जाता है तो पूरे गार्डन को महका देता है, बहुत ही तेज खुशबू होती है। सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों तरह के फूलों में ये आता है। इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। इसके जो पौधे होते हैं ज़मीन में लगे हुए होते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं, तो उन पौधों के ऊपर इसको एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है या फिर इसको बीज से ग्रो किया जाता है। लेकिन बीज से ग्रो हुए पौधे में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं फूल देने में, तो इसलिए इसके जो पौधे हैं नर्सरी पर अब ग्राफ्टेड पौधे आने लगे हैं, तो वो ग्राफ्टेड पौधे जो होते हैं 10 से 12 इंच के पॉट में इजीली फ्लावरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए मधुकामनी की एक वैरायटी है, इसको चाइना डॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूलों की जो खुशबू होती है ठीक मोगरा के फूलों जैसी होती है, और देखिए इसकी जो कलियां हैं खिलने से पहले पिंक कलर की होती हैं, खिलने के बाद इसके जो फूल हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं, घंटी की तरह इसके फूल दिखते हैं, खिलते हैं, नीचे की तरफ को जब लटकते हैं दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं, गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है। और देखिए इसके जो फूल हैं एक बार खिलने के बाद कई कई दिनों तक खिले रहते हैं समर के टाइम में भी। और देखिए ये भी परमानेंट प्लांट है, लेकिन कटिंग इस प्लांट की भी नहीं लगती है क्योंकि इस प्लांट की जो हाइट है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही छोटा प्लांट ही रहता है। यानी कि इस प्लांट को भी अगर आप लोग लगाने की सोच रहे हैं तो 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगाइए, इससे ज़्यादा बड़े पॉट में आप लोग इसको मत लगाइए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रात रानी का। ये बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, ज़्यादातर सभी लोग इस प्लांट के बारे में जानते ही हैं। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही बंद हो जाते हैं। ये प्लांट परमानेंट होने के साथ साथ बड़ा ही हार्डी होता है, तो इसकी कटिंग को आप लोग इस टाइम पर लगा सकते हैं। इस टाइम पर आप लोग इसकी कटिंग को लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी जो कटिंग है आपको पार्कों वगैरह में आसानी से मिल जाएगी, वहां पर इसके काफी बड़े बड़े से प्लांट लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मधुकामनी। इसके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल भी रात को खिलते हैं, सुबह होते ही गिर जाते हैं। गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट भी परमानेंट होने के साथ साथ बड़ा ही हार्डी होता है, कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है या फिर इसके ऊपर बीज भी बनते हैं। इनको आप लोग बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लगभग अक्टूबर तक ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहता है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए गार्डेनिया या फिर गंधराज भी इसको बोलते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू आती है, और इसके जो फूल होते हैं काफी बिग बिग साइज के खिलते हैं, जैसे कि देसी रोज होते हैं। इनके जो प्लांट होते हैं जमीन में लगे हुए होते हैं तो काफी बड़े बड़े से हो जाते हैं, लेकिन इनकी हाइब्रिड वैरायटी में आने लगी है जिनको हम 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी आसानी से लग जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए एक वेल। इसको भी कौन नहीं जानता, ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। ये है रंगून क्रीपर, मधुमालती या फिर झुमका वेल, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल भी रात को खिलते हैं, और देखिए एक बार खिलने के बाद कई कई दिनों तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। और इसकी भी जो बेल है ज़्यादातर ज़मीनों में लगाई जाती है क्योंकि इसको मेन गेट यानी कि मेन एंट्रेंस वगैरह पे लगाया जाता है, क्योंकि इसकी जो बेल होती है इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, तो जितना ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी जितना हाइट पर जाएगी उतना ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगी। लेकिन अब इसकी डॉप वैरायटी भी आने लगी है जिसको आप 10 से 12 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मोगरा या फिर स्टार जैस्मिन, इसको भी कई नामों से जाना जाता है। और देखिए ये दो वैरायटी में आते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इसकी बेल वाली वैरायटी है, तो इसको आप लोग बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। इसके जो फूल होते हैं जैसे मिनीचर रोज खिलते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं। एक इनके प्लांट वाली वैरायटी भी आती है, तो उसको आप लोग प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही वैरायटी को इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर लीजिए। फरवरी के महीने में आप लोग इसकी कटिंग को लगाओगे तो 15 से 20 दिन में ग्रो हो जाएगी, यानी कि इस टाइम पर इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
और देखिए मार्च एंड से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लगभग अक्टूबर नवंबर तक अगर इनको ठीक से सनलाइट मिलती रही तो फ्लावरिंग ये करते रहते हैं। ये है देखिए क्लेमेटिस वाइन, इसको रंजाई भी बोलते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ये पोलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आप लोग किचन गार्डनिंग करते हैं तो इस बेल को अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। इसके ऊपर हनी भी, तितली, भंवरे वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। बड़ी ही प्यारी सी बेल ये लगती है। अभी कुछ दिन पहले से ही मेरे गार्डन में ये ऐड हुई है। अगली जो ये बेल है देखिए जैस्मिन की एक वेराइटी है, इसको जूही भी बोलते हैं। अगर आप लोग वाले पौधों के शौकीन हैं तो इस बेल को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसके फूलों की जो खुशबू होती है सूंघने के बाद ऐसा लगता है जैसे अलग से किसी दुनिया में आ गए हैं। यानी कि इतनी प्यारी, इतनी मीठी खुशबू होती है। आपके टेरिस पर अगर ये लगी हुई होगी और एक फूल भी अगर इसका खिल गया, इसके फूल रात को खिलते हैं, तो इतनी तेज खुशबू इसकी आती है, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से हम जाएं ना, यहीं बैठ जाएं, एक अलग सा ही नशा चढ़ जाता है। इतनी प्यारी इसके फूलों में से खुशबू आती है और इतनी हार्डी बेल होती है, पूरा साल फ्लावरिंग करती है। मेरे यहाँ पर लास्ट दिसंबर तक इसने फ्लावरिंग की है और कटिंग से भी आसानी से लग जाती है। तो इस बेल को आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अगली जो ये बेल आप लोग सामने देख रहे हैं ये फिर से जैस्मिन की वैरायटी है। जैस्मिन में बहुत सारी वैरायटी आती है, हर एक वैरायटी के फूलों में से खुशबू आती है और इन सभी को कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है, या फिर इनको आप लोग नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप लोग इनको नर्सरी से ले आइए। ये भी जैस्मिन की ही वैरायटी है, इसको कुंदा बोलते हैं। इसके फूल और कलियां व्हाइट कलर में ही रहते हैं और पहली वाली बेल जो आपने देखी उसके फूल खिलने से पहले, यानी कि कलियां पिंक कलर की रहती हैं, फूल व्हाइट कलर में ही खिलते हैं। अगला जो प्लांट है देखिए ये चंपा यानी कि प्लूमेरिया, ये बहुत सारे रंगों में आते हैं लेकिन कुछ एक कलर के इसके फूलों में से खुशबू आती है। जो आप सामने देख रहे हैं इस वाले कलर के फूलों में से हल्की हल्की सी खुशबू आती है, एक रेड कलर इसमें आता है उसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आती है, और ये जो व्हाइट कलर आप लोग देख रहे हैं इसमें से भी हल्की हल्की सी खुशबू आती है। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज नहीं आती लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी सी धीमी धीमी सी खुशबू आती है। तो इनको आप लोग इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग को आप जितना मर्जी मोटी पतली लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए हरसिंगार या फिर पारिजात के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसके फूल भी रात को खिलते हैं, सुबह होते ही गिर जाते हैं। ये हालांकि फ्लावरिंग विंटर में ही करता है लेकिन इसकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। इसके जो प्लांट होते हैं जमीन में लगे हुए होते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं, लेकिन इसको आप 10 से 12 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसको पॉट में ही ग्रो कर रखा है तो इसको इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है देखिए इसको फर्स्ट लव प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों में से जैसे शहद में से खुशबू आती है, कुछ इस तरीके की इसकी खुशबू होती है और इसके ऊपर भी पोलिनेटर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हनी भी, तितली वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं। इसकी फ्लावरिंग का टाइम अब आया है, अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर तक लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। इसको भी आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट या वाइन है ये है देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल भी इसको बोलते हैं। इसके फूलों और पत्तों दोनों में से खुशबू आती है, ये भी परमानेंटी बेल है तो इसकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं, या फिर नर्सरी से इसका पौधा लाना चाहते हैं तो नर्सरी पर इसका जो पौधा है थोड़ा कॉस्टली मिलता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड में जो जाफरी और नॉर्मल मैरीगोल्ड होते हैं उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और वो परमानेंटी होते हैं, क्योंकि वे बीजों से ग्रो होते रहते हैं और इनके सूखे हुए जो फूल होते हैं उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। तो उनको आप लोग तोड़ करके ऐसे ही मिट्टी में डाल दीजिए, आपके नए पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है, ये है स्वीट एलाइसम। इसके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इसका जो प्लांट है अगर आप लोग नर्सरी से लाना चाहते हैं तो 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा और अभी मार्च और अप्रैल ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा, तो अभी भी आप लोग इसके प्लांट को ला करके लगा सकते हैं। इसकी फ्लावरिंग जब खत्म होगी तो उसके बाद इसके ऊपर बीज भी बनते हैं, तो इसके बीजों को कलेक्ट करके रख लीजिए, नेक्स्ट जैसे इसके सीजन आएगा इसके बीजों को ग्रो कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।